personal dream. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज ज़ारा और ज़ावियार माशाल्लाह फजर के टाइम ही उठ गए, मतलब अजान अभी नहीं हुई थी, ये उससे पहले उठ के बैठे हुए हैं और इतने को कोई एक्टिव हैं, थक थूक के मैंने इनको फिर सुला दिया था और तकरीबन जाके फिर 9:30 बजे ये लोग उठे हैं। इसके बाद मुझे बनाना था नाश्ता। बाज़ औक़ात ऐसा मूड होता है हाउसवाइफ्स का कि सारे काम इतने दिल से करती हैं और जितने कराई जाओ उनको फ़ील नहीं होता, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि थकावट की वजह से या कुछ ज़हनी सुकून ना हो या कुछ और भी मसले हो, मूड बहुत डिपेंड करता है, तो फिर उनको आप चाय का भी बोल दो ना तो उनका दिल नहीं करता चाय बनाने का। तो कुछ इस तरह की आज सिचुएशन थी। आज हम लोग, आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मियाँ जी घर थे, मेरे हस्बैंड घर थे, तो उनकी पसंद का मुझे नाश्ता बनाना था। उन्हें नाश्ते में ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑमलेट जब भी बनाएं, बाज़ ख़वातीन को मैंने देखा है, मेजॉरिटी में नहीं लेकिन कुछ ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो जब ऑमलेट बनाती हैं तो उसमें पानी का यूज़ करती हैं। पानी का यूज़ ना किया करें। अगर आपके जहन में ये सोच बैठी हुई है कि आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस के इंग्रेडिएंट्स गलेंगे, सॉफ्ट होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। घी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जो प्याज़ है बस थोड़ा सा सोते करूँगी और उसमें फिर मैं टमाटर हरी मिर्ची इसमें ऐड कर दूँगी। वो कोई ख़ास स्पेशल मैंने ऑमलेट नहीं बनाया, जो घर में इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके मैंने ये ऑमलेट बनाया और बहुत कमाल का ऑमलेट जो सा वो बना था। बाद में दूसरे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दें, एज लाइक रेड चिली का पाउडर, नमक, हल्दी इस्तेमाल करें, धनिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था। और यहाँ पे ये कुटी हुई मिर्ची, जिस दिन का ये पैकेट आया ना, मुझे कोई कंटेनर या कोई डिब्बा मिल ही नहीं रहा जिसमें मैं ये डाल दूँ और इनको सेव कर सकूँ। जब मैं ज़रूरत पड़ती है डालती हूँ तो फिर याद आता है कि लो अभी तक ये पैकेट ऐसे ही घूम रहा है, मैंने इसको नहीं डाला है। तो इंशाल्लाह मैं अब इसको कहीं ना कहीं सोचती हूँ, इसका बंदोबस्त करती हूँ कि इसको कहाँ पे मैंने रखना है, इसको कहाँ पे मैंने संभालना है। तो यहाँ पे ऑमलेट जो सा है वो बहुत कमाल का रेडी हुआ था। बस अंडा मैंने डाला, थोड़ा सा इसको मैंने फ्राई किया, तो लो जी मेरा ऑमलेट हो गया तैयार। इसके बाद अच्छा अब मैं बात वहीं पर छोड़ दी कि मैं, हम लोग हैं दो बंदे सिर्फ, आज तो मियाँ जी घर हैं तो थोड़ा सा नाश्ता बन रहा है, नहीं तो अकेली होती हूँ मैं, एक अंडा बॉयल कर लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ, अल्लाह अल्लाह तक खैर सल्ला, और बच्चे भी थे। आज मुझे तीन तरह का नाश्ता बनाना पड़ा, मतलब बॉस के लिए मैंने बनाया ऑमलेट, अपने लिए मैंने फिक्की चाह जो कि मजबूरी के तहत पीनी पड़ती है, और साथ एक बॉयल एग अपने लिए मैंने रख दिया था, और ज़ावियार और ज़ारा के लिए मैंने रखे बनाया था बहुत ज़बरदस्त सा चक्की के आटे का पराठा और देसी घी में। देख लें इतनी शक्ल चेक कीजिएगा कि कितनी प्यारी है, कसम से मुंह में पानी आ रहा था मेरे देख देख के। और पराठा तब मज़ा ज़्यादा आता है जब देसी घी में थोड़ा सा क्रिस्पी सा आप बनाएं, और क्रिस्पी सा ये तब बनता है जब आप इसको एक जगह पे रुकने ना दें, स्टिल इस तरह गोल गोल इसको घुमाते रहें तो बड़ा हल्की आँच पर यह क्रिस्पी सा बन जाता है। तो ये बच्चों के लिए बनाया था, आप सोच रहे होंगे हस्बैंड के लिए क्यों नहीं पराठा बनाया, उनको पराठा वो पहले खाते थे लेकिन कुछ दिनों से उनको एसिडिटी का मसला हुआ है स्टमक में, फिर उन्होंने विदाउट जो उनसे ना ऑयल घी के ये रोटी सूखी खाई, उनके लिए मैंने वो बनाई थी। तो ये तीन चार किस्म का मुझे सुबह सुबह पराठा बनाना पड़ा है, लेकिन इतनी कोई खुशी से, मैंने पहले भी बताया कि बाज़ औक़ात जो सा ना और ख़वातीन इतनी को खुशी से काम करती हैं ना, और कभी कभी तो बस तुसी उन्होंने कहो भी ना तो बस वही हिसाब था। आज खुश इसलिए थी क्योंकि हस्बैंड घर थे, तो उनके लिए बंदा कार होए ना, शोहर कार होए तो फिर बुढ़ी के काम ख़त्म नहीं होते है, फिर तो थकती भी नहीं ना बस, और एक एप्रिसिएशन मिलती रहे तो बस फिर तेरा डक ही देना है। यहाँ पे बच्चों को खिलाने के बाद ट्यूशन के बच्चे आ गए थे पढ़ने, और ज़ारा माशाल्लाह अब मेरे, मैं उसको खुद पारा पढ़ाती हूँ क्योंकि कारी साहब के पास पढ़ने जाती थी तो उनको बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो जाती थी या आने में, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी हैं तो वो कभी आते थे और कभी नहीं आते थे, तो फिर मैंने ज़ारा को खुद घर में पढ़ाना शुरू कर दिया, और माशाल्लाह माशाल्लाह वो
कोऑपरेटिव है, मुझे मुझसे पढ़ लेती है, नहीं तो बाज़ूकात मैं यही सोचती थी कि ज़्यादातर यही सुना है कि माओ से बच्चे घर नहीं पढ़ते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुस्सा आता है लेकिन कंट्रोल करो बच्चे पढ़ जाते हैं। उसके बाद मुझे नाश्ता करने के बाद बच्चों को फ्री करके भेज दिया, फिर मुझे लग गया था बूस्टर मेरी तुसी हुण स्पीडा चेक करना कि मैं कार दे काम किड्डी जल्दी नबेरे ने। तो जावियार के पैंपर मैं कट्ठे मंगवा लेती हूँ। अब जब ये पैकेट आता है ना, इतना को कोई टाइट होता है ना, कसम से जितना तुसी खादा होता ना, वो सारा जोर एदे ते लग जाता है पैंपर निकालने पे। तो फिर मैंने इसमें से कुछ जो उनसे पैकेट के अंदर से पैंपर निकाल के रख दिए थे ताकि जब ज़रूरत पड़े, और बाद का जब ज़रूरत पड़ती है फिर ज़ारा को भी कह देती हूँ ज़ारा पैंपर लाना, तो ज़ारा फिर ईज़िली वहाँ से उठा के ले जाती है अगर मैंने निकाले हुए हों। पैकेट में से उसके लिए निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर हो गई, मैं बन गई घर दी मासी। ऐसे ही होता है कि घर को हर हाल में आपके सारे रूप चाहिए होते हैं। कभी आप कतरीना बन के उसे दिखाएं, कभी आप शकीला बन के दिखाएं, और कभी आप उसको काम वाली मासी समीना बन के दिखाएं, तो फिर ही है। और सारे रूप औरत में होने चाहिए। यहाँ पे मैंने सारी सफाई की थी, झाड़ू पोछा मैंने इसलिए नहीं आपको दिखाया कि क्या है वो हर वीडियो में हर कोई दिखा रहा होता है, तो बस फिर मैं नॉर्मल सब बताया कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं काम किया है। वाशरूम साफ़ करने की मेरी ये रूटीन होती है कि दो तीन वाशरूम है, तीन वाशरूम है, एग्जैक्ट तीन वाशरूम है घर में, तो उनको डेली नहीं मैं साफ़ करती, क्योंकि हम दो मेंबर्स हैं, मैं और ज़ारा और जावियर को तो मैं खुद वॉश करती हूँ, तो फिर एक ही वाशरूम हमारा यूज़ होता है। तो इसको मैंने आज साफ़ किया है। और वैसे मेरी रूटीन होती है कि मैं रात को सोच के सोचती हूँ कि सुबह मैंने क्या काम करना है, तो एक दिन में मैं एक ही वाशरूम वो साफ़ करती हूँ, क्योंकि पहले इनको हार्पिक लगाना, फिर इनको सर्फ लगाना, फिर पूरे वाशरूम को कपड़े के साथ ड्राई करना, और फिर ये वेंटी के ऊपर जरा पूरा पार्लर का सामान पिया होता है, इन चीज़ों को साफ़ करना 3-4 घंटे कहीं नहीं गए, बंदा थक जाता है वाशरूम साफ़ करने में। तो फिर एक टाइम पे एक ही वाशरूम ऐसे साफ़ होता है। जो गेस्ट रूम का वाशरूम है वो तब साफ़ होता है जब गेस्ट कोई यूज़ करके जाता है। काम सारे साफ़ करने के बाद मैंने सोचा कि बॉस आए हुए हैं, हस्बैंड आए हुए हैं, तो उनकी पसंद के दाल करेले बना लूँ। अच्छा ये है कि जब दाल करेले मैंने शादी के बाद एक दो दफ़ा बनाए ना, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो वो मुझे उन्होंने बताया कि हमारे मेस में, हमारे महकमे में किस तरह बनते हैं उस तरह बनाओ। तो फिर मैंने वैसे बनाए और यकीन करने इतने कमाल के बनते हैं ना, दिल करता है कि सुकून के साथ वैसे ही आप दाल करेले खाई जाओ। तो अब मैंने सोचा कि इन पर टाइम लगना है, तो मैं इनको छील के नमक लगा के इनको अच्छी तरह थोड़ी देर के लिए रख दूँ, क्योंकि अगर जब रात काफ़ी हो जाएगी, मतलब जब खाना बनाना है उस टाइम तो नहीं मैं लगा के रखूँगी, फिर टाइम कम होता है, तो इनको थोड़ा टाइम ज़्यादा दे नमक लगा के, फिर इनकी करवाहट अच्छी तरह जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। नमक ज़्यादा क्वान्टिटी में लगा के अच्छी तरह मलेंगे तो फिर करवाहट इसमें नहीं रहती। इसके बाद मैंने दाल को किया साफ़, चने वाली दाल को। और ये ऐसा होता है कि जब आप स्पेशल कोई चीज़ परचेज़ करके लाते हैं ना, फिर तो सारी चीज़ें ख़रीद के लाते हैं, जब आपने ज़्यादातर चीज़ें घर में से निकालनी होती हैं फिर एक दो चीज़ें इसमें से मिस हो जाती हैं, जैसे हरा धनिया अक्सर बनाते हुए मेरे से ना मिस हो जाता है। तो दाल साफ़ करके मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी थी पास, और प्रेशर कुकर पर टाइमर इसलिए लगाया कि ताकि जल्दी से तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। तो अब ये दो काम जो उनको टाइम चाहिए था, उसको नमक लगा के रखा, दाल को उसके ऊपर रखा, गलेगी तो मैंने सोचा अब इसमें थोड़ी सी ग्रीन टी पी लो। ग्रीन टी के इसका इतना को कमाल का सीन है ना, कुछ 5 दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि इसको चेंज करा के ला के, 2 दफ़ा तो उन्होंने चेंज करा के दी है, अब उन्होंने ही, मैंने कहा चल सज्जन उन्होंने एन जी पी, क्योंकि ये वेट लॉस वाली नहीं है, ये वैसे हेल्थी जो उनकी है ना ग्रीन टी वो है, अब इसको पीऊँगी, चलो अब इसको ख़त्म तो करना है ना किसी तरीके से। अब इसके बाद ये है कि ज़ारा ना काफ़ी देर में उसे देख रही थी, उसकी आंखें अंदर ही गई हुई हैं, इतनी तो कोई उसको पानी की कमी हुई है, ब्लैक उसकी आंखें हुई थी, मतलब 4 साल की बच्ची को इस तरह का मसला होना नहीं चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जब मोशन हो तब ही आप ORS का इस्तेमाल करें, जब देखें कि बच्चा बड़ा डल है, महसूस हो रहा है, आप उसको ORS दे दें, बच्चा रात रात में ठीक हो जाता है। तो मैंने उसको ये 4 गिलास पानी डाल के ऐड किया था, तो बाद में ज़ारा को बुलाया, माशाल्लाह उसकी आंखें ठीक हैं। तो अब मैंने बनाए थे दाल करेले, तो सो यू आर कम बैक टू इन द किचन। तो अब मैंने ये जो प्याज है इनको हल्का ब्राउन करने के लिए साथ रख दिया है। अब जब मैं किचन में आती हूँ ना, तो मेरे एक हाथ से काम नहीं होता, मतलब मेरी स्पीडा तो उसे चेक करो कि मैं 3-3, 4-4 काम इकट्ठे करती हूँ। एज लाइक अब साथ मैं यहाँ पर करेले भी फ्राई करूँगी, यहाँ पर मैं साथ इसका मसाला भी भूनूंगी, और साथ मैं आटा भी गूंदूंगी। आप अक्सर मेरी वीडियो में देखिएगा, ये देखो एलो फोन वे लो मेरे हाथ पे जब आटा लगा है, तो आप समझ जाएंगे साथ मैं आटा गूंद रही हूँ, मसाला बना रही हूँ, उधर मैं उसको फ्राई कर रही हूँ, और साथ बच्चों को भी देखना, उफ
शादी से पहले कसम से अम्मी जब आवाज़ देती थी ना सज्जल, तो सज्जल ने बड़ी देर बाद जाकर उठ के जाना होता, और ये होता था ना कि माँ ने केरा कुछ कहना है, कुछ नहीं कहना। और अब आप चेक करें मेरे व्लॉग में कि मैं सुबह से लगी हूँ, नाश्ता भी इतना कमाल का टॉप 3-4 किस्म के बनाए, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, बाद में मैंने सफाइयाँ भी आज दिल लाग फुल की दी हैं, वाशरूम पर ही मुझे 5-4 घंटे लगे थे इसको साफ़ करते हुए। अब यहाँ पे सारे स्पाइसेस मैंने ऐड किए, जैसे प्याज का कलर जो सा है वो चेंज हुआ तो स्पाइसेस ऐड किए मैंने, इसके अंदर दादर मिर्चें, दूसरी रेड चिली का पाउडर, नमक, सब कुछ ऐड करने के बाद जो दाल मैंने बॉईल कर ली थी, गाल ली थी, उसको इसके अंदर ट्रांसफ़र करूँगी। दाल इस तरह गालनी है कि थोड़ी सी वो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाए, फिर मज़ा आता है इसका खाने का। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि जिस तरह डिपार्टमेंट में बोझ के बनाते थे, मैं उस तरीके से बना रही हूँ, बहुत कमाल की बनती है। आप एक दफ़ा इस तरीके से ट्राई करके देखें। तो मसाला जैसे भुना, दाल ऐड कर दी, अब इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, तो इसके अंदर मैं फिर डाल दूँगी गरम मसाला और जो सूखी मेरे पास मेथी का पाउडर पड़ा हुआ है वो ऐड कर दूँगी। अच्छा, अब ये है कि इतना चूल्हा तो बार बार गंदा हो जाता है, लेकिन अगर आप साफ़ कर लो ना, वाकई यकीन करो कि किचन और ये चूल्हा बहुत साफ़ रहता है। लेकिन जितने तुसे थोड़े जो ढीले हो गए ना, कि चाय गिरी हो आपने नहीं साफ़ की, तो चूल्हा बस उठे ही ना बुरा लगना शुरू हो जाएगा। अब इसके साथ ही मेरे जो से करेले थे मैंने रखे हुए थे वो फ्राई हो गए थे, तो अब वो इसके अंदर ट्रांसफ़र करूँगी, थोड़ा सा इसको हलाओ जलाऊँगी, तो मेरी जो सी दाल है वो तैयार होगी। और आप यकीन करेंगे मेरे हस्बैंड को भी बड़ी पसंद आई थी, इसकी शक्ल भी माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरा आज शाम का खाना था जो कि मैंने तैयार किया। अब ये अगर तो होस हस्बैंड यहाँ रहेंगे तो फिर तो एक कल तक ख़त्म हो जाएगी, अगर वो चले गए तो फिर तो टाइम लगेगा इसको ख़त्म होने में। तो बहरहाल, अच्छा अब ये है कि हाउस वाइफ्स का ज़्यादा पता कैसे थक जाती हैं, वो सोचते कुछ हैं सारा दिन में नए काम और निकल आते हैं। और ये रोटी बनाने का सीन ये है कि मुझे ना रोटी सही बनानी नहीं आती, पहले तो कभी शादी से पहले गलती से भी मैंने रोटी नहीं बनाई थी, और अब आहिस्ता सब कोशिश करके कुछ मुझे रोटी बनानी आ गई है, वो भी ताज़ा आटे की, तो बड़ी अच्छी बनती है, अगर फ्रिज का हो तो फिर नहीं सही बनती, थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए जब भी मैं रोटी गोल ना हो तो सो तुसी कंप्रोमाइज़ थोड़ा जा कर लेना, तुहानू पता है सज्जल बाजी ने इन्ना कोई खास रोटी बनाने का नहीं तरीका है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ। यहाँ पे मैंने दाल के लिए डिश आउट किया था खाना, और खाना भी खाना था क्योंकि डिश आउट किया था, तो उससे पहले ही मेरी एक फ्रेंड आ गई थी पल थोड़े से मिनी से टाइम के लिए और कुछ छोटा सा काम करने के लिए। यही तो हमारी डेली रूटीन है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आप क्या सोचते हैं हाउसवाइफ्स, और साथ क्या क्या यही होता है, कोई हमसाया आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई फलां आ गया, कोई आ गया, कोई जानने वाला आ गया, तो आप सारे काम वहाँ पे ड्रॉप करते हो और उसको अपना क्वालिटी टाइम देने लग जाते हो। बेहतर है कि आप क्वांटिटी टाइम देने से बेहतर है कि आप किसी भी बंदे को क्वालिटी टाइम दें। और आप यकीन करें, अगर रात के अंधेरे में भी कोई मेहमान आ गया ना, पूरे दिन की थकावट ख़त्म हो जाती है और तसल्ली हो जाती है कि अल्लाह ताला ने हमें कोई नेकी देखी तो आज हमारे घर कोई मेहमान भेज दिया। मैं बड़े लोगों को कहती हूँ कि आपके घर में अगर कोई पास से भी बंदा आ जाता है ना, उसे पानी, सादा शाहे घर का पानी पिलाना ना, उसे ज़रूर पिला के भेजो। आपके घर की कोई 70,000 बलाएँ जो हैं ना वो टल जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि मेहमान नवाज बंदा जौन सा है ना, तो कभी भी खाली हाथ नहीं रहता और ना ही वो किसी का मोहताज रहता है। क्यों? आप अपने रिज़क के हिस्से में से दूसरे को खिला देते हैं तो अल्लाह ताला उससे ज़्यादा रिज़क आपको देते हैं। तो इसलिए कभी दिल छोटा ना करें मेहमानों की, दिल खोल के खिदमत। उसके जाने के बाद फिर हमने खाना खाया, फिर इतना किचन मैसिक का जो सारा मैंने बर्तन वॉश किए हैं, चाय बना के कप रखा है, बच्चों के लिए फीडर बना के रखा है। बाय बाय शाय, अब मैं चाय पियेंगी तो सोऊंगी।